तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या था। ए ब्लॉक इज फास्टेंड टू द हॉरिजेंटल स्प्रिंग। तो एक ब्लॉक को हॉरिजेंटल स्प्रिंग से ऐड कर दो। तो ये वर्टिकल वॉल है और ये प्लेटफॉर्म है और ये हॉरिजेंटल स्प्रिंग है और इससे मैं एक ब्लॉक को अटैच कर देता हूँ। ये कहते हैं कि यहाँ ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो चलो मान लेते हैं टी इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट पुल टू डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन फ्रॉम द रेस्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ से खींच के यहाँ लाता हूँ, इस ब्लॉक को मैं यहाँ से खींच के यहाँ लाता हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, एनर्जी ऑफ द ब्लॉक 85, मतलब बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ पर 5, यहाँ पर ये बीच में कोई मिड पॉइंट होगा जो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे होगा। तो जब ये ब्लॉक 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर है, इस पोजीशन में है, तो एनर्जी ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है 0.25 जूल। ध्यान रखना एनर्जी है भाई, टोटल एनर्जी है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो, आपने 10 में ये खींच दिया तो ये यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगा। एम्पलीट्यूड इस SSM का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ए। ये मीन पोजीशन आ जाएगा, ये मीन पोजीशन, और ये आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, तो मैकेनिकल एनर्जी तो किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो मीन हो चाहे एक्सट्रीम हो। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि हाफ के एम्पलीट्यूड ए का स्क्वायर, और ये मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे सब पे सेम रहेगा, 25 जूल यहाँ से दिया। तो हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट के हमें चाहिए एम्पलीट्यूड 10 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 100। तो 10 का स्क्वायर 100, 0.25। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से 10 का स्क्वायर 100, 10 एक्चुअली मीटर में है ना, तो यहाँ से 10 क्या सेंटीमीटर में है ना मेरे भाई, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से तुम अगर तुम ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से तुम देखोगे तो 10 और इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, यहाँ ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो के इज इक्वल टू 0.25 और मल्टीप्लाइड बाई इधर मल्टीप्लाइड बाई 2, और यह आ जाएगा 100 और इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है? तो 10 की पावर -4 और 100 तुम देखोगे तो इसको सॉल्व करो भाई। तो यहाँ से देखो तो 25 दुना 50, तो 5.0 और इंटू 10 की पावर 4 जीरो ऊपर चला गया, और ये 2 जीरो इधर रह गया, तो ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। तो ये आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 5.0, ये यहाँ से आ जाएगा पॉइंट। तो ये 100 इंटू 10 की पावर -4, तो ये 0.54, और 2 किल मिला के ये 50 आ जा रहा है। तो ये 50 सॉल्व कर लेना, इसको न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो फाइनली ये आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो चुका होगा कि ये कितना आ रहा, कैसे आ रहा है। और मेरे वीडियो के साथ बने रहो और अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।